हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैव अणु के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे फ्रक्टोज के बारे में। अगर इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है C6H12, इसके अलावा O6, ये जो है फ्रक्टोज का सूत्र होता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि फ्रक्टोज का सूत्र और ग्लूकोज का सूत्र दोनों सेम ही होते हैं, और ये जो है ग्लूकोज के साथ मीठे फलों और शहद में मिलता है। इसके अलावा फ्रक्टोज जो होता है ये एक प्रकार का कीटो हेक्सोस होता है, यानी कि अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि यह एक कीटो हेक्सोस होता है। कीटो हेक्सोस होता है, तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा आपको बताया गया कि यह जो है ग्लूकोज के साथ मीठे फलों व शहद में पाया जाता है। और अगर इसके निर्माण की बात करें यानी कि किस प्रकार से इसे तैयार किया जाता है, तो याद रखिएगा कि औद्योगिक स्तर पर फ्रक्टोज को इनुलिन का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा जल अपघटन करके बनाया जाता है। यानी कि फ्रक्टोज को जो है इनुलिन का जल अपघटन करके बनाया जाता है, और यहाँ पर जल अपघटन जो है ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा कराया जाता है। तो यहाँ पर बात हुई है इनुलिन की, इनुलिन इसका जो है आपको कराना है यहाँ पर जल अपघटन, जल अपघटन, और इसका जल अपघटन जो है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि तनु HCl की उपस्थित में कराया जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका फ्रक्टोज। तो इस प्रकार जो है इनुलिन का जल अपघटन कराने पर यहाँ पर बनता है फ्रक्टोज। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनुलिन इसका सूत्र होता है C6H10O5, और यहाँ पर होता है होल N। इस प्रकार से इसका आपको कराना है जल अपघटन। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे H2O, यहाँ पर ध्यान दीजिए होल N है, इसलिए यहाँ पर जल के भी आपको N अणु लेना है। और अब आपको यहाँ पर इसका जल अपघटन जो है तनु HCl की उपस्थित में कराना है। यहाँ पर जो है तनु HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थित में जब इसका यहाँ पर जल अपघटन कराएंगे, यानी कि यहाँ पर इसे जल के साथ आपको क्या करना है, गर्म करना है। तो जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर फ्रक्टोज के जो है N अणु प्राप्त होंगे, यानी कि C6H12O6, यानी कि यहाँ पर जो है फ्रक्टोज के आपको N अणु प्राप्त होंगे। ये आपका है फ्रक्टोज और ये यहाँ पर आपको दिया गया है इनुलिन। तो इनुलिन का जो है यहाँ पर तनु HCl की उपस्थित में जल अपघटन कराने पर फ्रक्टोज बन जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए फ्रक्टोज की संरचना। तो अभी आपको फ्रक्टोज का सूत्र बताया गया है C6H12, इसके अलावा O6 ये होता है। इसमें टोटल कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं, इसके अलावा 6 ऑक्सीजन होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर इसकी खुली श्रृंखला संरचना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें 6 कार्बन जो है एक सीधी रेखा में जुड़े होंगे, इस प्रकार से इसमें जो है 6 कार्बन एक सीधी रेखा में इस प्रकार से जुड़े होते हैं, इस प्रकार से। इसके अलावा जो पहला कार्बन होता है यहाँ पर इसके साथ होता है H2OH, इसके अलावा जो लास्ट वाला होता है यहाँ पर भी यही होगा, यानी कि CH2OH। इसके अलावा बीच के जो 4 कार्बन दिए गए हैं इसमें दूसरे कार्बन पर हमेशा आपको कीटोन ग्रुप मिलेगा, डबल बॉन्ड O। इसके अलावा यहाँ पर होगा H और इधर होगा आपका OH, इसी प्रकार से फिर यहाँ पर होगा आपका OH और यहाँ पर हो जाएगा H। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए ये होगा आपका OH और फिर यहाँ पर हो जाएगा H, इस प्रकार से। इसमें जो टोटल आपके 6 कार्बन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से 6 कार्बन जो है आपके एक सीधी रेखा में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इसे आप दूसरे प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इसके लिए ध्यान दीजिए जैसे कि यहाँ पर है CH2OH, तो यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए फिर है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर है यहाँ पर CHOH, फिर चौथे नंबर पर CHOH, फिर पांचवें नंबर पर CHOH, यानी कि इसे आप ऐसा लिख सकते हैं CHOH का होल थ्राइस, क्योंकि ये तीनों यहाँ पर ध्यान दीजिए इस प्रकार से बनेंगे आपके CHOH। तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं,
और इसके अलावा लास्ट में हो जाएगा CH2OH। इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इसकी संरचना बना सकते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर इससे बोला जाता है D-फ्रक्टोज, इससे बोला जाता है D-फ्रक्टोज। इस प्रकार से तो डी यहाँ पर जो है इसकी संरचना के कारण, और माइनस जो है यहाँ पर वाम घूर्णन के कारण, जैसे उसको उसमें बताया गया था दक्षिणी घूर्णक, इसी प्रकार से इसमें होता है वाम घूर्णक, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो इससे हम लोग बोलते हैं डी माइनस फ्रक्टोज। अब इसके बाद ध्यान दीजिए फ्यूरेनोस संरचना, तो यहाँ पर जो है इसकी संरचना फ्यूरान जैसी होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं फ्यूरेनोस संरचना। फ्यूरान आपका इस प्रकार से होता है, इसमें एक ऑक्सीजन होगा इस प्रकार से यहाँ पर, इसके अलावा जो है इसमें इस प्रकार से संरचना होती है, एक बॉन्ड यहाँ पर होता है और एक बॉन्ड यहाँ पर होता है, इससे हम लोग बोलते हैं फ्यूरॉन, इससे बोला जाता है फ्यूरॉन। तो यहाँ पर फ्रक्टोज की संरचना जो है फ्यूरान जैसी होती है, इसलिए यहाँ पर जो है इसे हम लोग फ्यूरेनोस संरचना कहते हैं। यहाँ पर एक कार्बन होता है आपका, एक कार्बन यहाँ पर होगा, इसके अलावा एक यहाँ पर हो जाएगा और एक यहाँ पर, यानी कि टोटल चार कार्बन होंगे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसकी जो संरचना भी आपको बताई गई है, इसमें आपको बताया गया है CH2 होता है, इसके अलावा होता है OH, फिर यहाँ पर दूसरे नंबर पर होता है C डबल बॉन्ड O, फिर इसके बाद होता है C, यहाँ पर होता है H और इधर होता है OH, फिर इसके बाद C यहाँ पर हो जाएगा OH और फिर इधर हो जाएगा H, इसके अलावा C, फिर यहाँ पर होगा OH और फिर यहाँ पर होगा H और फिर लास्ट में होता है आपका CH2OH। तो इसमें टोटल कार्बन हो जाएंगे आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस प्रकार से इसमें होता क्या है, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगा, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल कर इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाता है। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड लगे हैं अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, तो फिर यहाँ से एक बॉन्ड जो है वो निकल कर इस ऑक्सीजन के साथ आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इसमें दो प्रकार की संरचनाएं जो है बनेंगी। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है आपका सी, ये वाला कार्बन, तो इससे आप लिख दीजिए इस प्रकार से, ये हो गया आपका सी। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पर बचेगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन आके जुड़ गया, तो यहाँ पर हो गया है OH। अब इसी कार्बन से आपको ये CH2OH जुड़ा है, इससे भी लिख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए सेम आपको यहाँ पर लिखना है, ये हो जाएगा सी, यहाँ पर दिया गया है एच और फिर इसके बाद है OH, फिर इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर है सी, इधर हो जाएगा आपका OH और फिर यहाँ पर हो जाएगा H। इसके अलावा अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो C दिया गया है, इधर तो आपका हो जाएगा H, लेकिन इधर ध्यान दीजिए यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल कर ऊपर जुड़ गया है, और इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला कार्बन भी यहाँ पर अब बॉन्ड बनाएगा, ये वाला कार्बन जो है इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इससे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन जो यहाँ पर इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, इसके अलावा लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है संरचना बनेगी। इसके अलावा इसमें जो दूसरी संरचना बनती है वो सेम उसी प्रकार से होगी, केवल यहाँ पर ये जो पहला वाला OH और CH2OH है इसकी दिशा बदल जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो C था, मान लीजिए आपका OH जो है इधर है और इधर आपका जुड़ा हुआ है CH2OH, बाकी यहाँ पर सेम होता है, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा सी, इधर आपका हो जाएगा एच और फिर यहाँ पर हो जाएगा OH, इसके बाद फिर यहाँ पर सी OH और इधर हो जाएगा आपका एच, इसके बाद वाला जो कार्बन है इधर ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा एच और इधर वाला कार्बन जो है यहाँ पर इस कार्बन वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन था वो इस कार्बन के साथ यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे और लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। तो इसमें अगर कार्बन की संख्या आप गिनेंगे तो इस प्रकार से गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसकी जो संरचना बनती है इससे हम लोग बोलते हैं फ्यूरेनोस संरचना, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका ऑक्सीजन है
और ये ऑक्सीजन ध्यान दीजिए यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4 इस प्रकार से जुड़ा है, वही आपको बताया गया था। यहाँ पर ये होता है ऑक्सीजन, इसके अलावा इसमें एक कार्बन यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर होता है, और ये चारों कार्बन ध्यान दीजिए इस ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए ये चारों कार्बन जो है इस प्रकार यहाँ पर इस ऑक्सीजन से जुड़े हैं, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं फ्यूरेनोस संरचना। ये आप लोग याद रखें क्योंकि इसकी आकृति जो होती है वो फ्यूरान जैसी होती है, इसलिए। इसके अलावा यहाँ पर ये जो बना है, अगर इसका नाम बताना चाहे तो आप बता सकते हैं, इससे बोला जाता है अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस, इससे हम लोग बोलते हैं फ्रक्टो फ्यूरेनोस, ये हो जाएगा अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोस। इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो इसे आप बता सकते हैं बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोस, यहाँ पर हो जाएगा फ्रक्टो फ्यूरेनोस। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगली संरचना यहाँ पर है हावर्थ संरचना। इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर होता है सबसे पहले एक ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से यहाँ पर ध्यान दीजिए इसकी संरचना जो है इस प्रकार से आप यहाँ पर बनाएंगे, ये हो जाएगा, इसको आप इस प्रकार से मिला दीजिए, ये हो जाएगा, इसके बाद इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा और फिर आप इसको मिला दीजिए, इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसकी संरचना बनेगी। यहाँ पर जो है इसकी दो प्रकार की संरचनाएं आप बना सकते हैं, तो इसके लिए ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप यहाँ पर बना लीजिए, इसमें जो है एक बाउंड आपका यहाँ पर होगा, दूसरा बाउंड आपका यहाँ होगा, तीसरा यहाँ पर होगा और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी एक बाउंड आपका यहाँ पर होगा, ये बाउंड हो जाएगा, ये बाउंड हो जाएगा और फिर ये बाउंड हो जाएगा। अगर आप इसमें नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए नंबरिंग किस प्रकार से करेंगे, नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर होता है आपका CH2OH और यहाँ पर होता है आपका OH, इसके अलावा यहाँ पर होता है OH, यहाँ पर होता है H, फिर यहाँ पर होता है H और यहाँ पर OH, इसके अलावा यहाँ पर होता है इसमें CH2OH, ये होता है और यहाँ पर होता है आपका H, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है इसमें एक कार्बन तो आपका ये होगा, यहाँ पर ये होगा आपका पहला कार्बन, इस जगह पर होगा आपका दूसरा कार्बन, इस जगह पर तीसरा कार्बन, यहाँ पर होगा चौथा कार्बन, यहाँ पर हो जाएगा आपका पांचवा कार्बन और ये हो जाएगा आपका छठवा कार्बन, इस प्रकार से यहाँ पर इसकी संरचना बनेगी। इसी प्रकार से इसमें ध्यान दीजिए अंतर क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए CH2OH जो ऊपर जुड़ा है और यहाँ पर OH, इसकी दिशा बदल जाएगी, बस यहाँ पर ये यह हो जाएगा आपका OH और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, बाकी यहाँ पर सेम उसी प्रकार से OH और यहाँ पर हो जाएगा H, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा H और यहाँ पर हो जाएगा OH, और इसके बाद यहाँ पर जो है ये होगा आपका CH2OH, इतना हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा H। अगर आप इसमें नंबरिंग करेंगे तो ये आपका होगा पहला कार्बन, यहाँ पर हो जाएगा दूसरा कार्बन, यहाँ पर तीसरा, इस जगह पर चौथा कार्बन होगा, यहाँ पर पांचवा कार्बन होगा और ये आपका छठवां कार्बन हो जाएगा। तो इस प्रकार की संरचना को हम लोग बोलते हैं हावर्थ संरचना। तो ये जो है फ्रक्टोज की हावर्थ संरचना होती है, दोनों में डिफरेंस केवल इतना होता है तो यहाँ पर CH2OH ऊपर लगा होता है, OH नीचे होता है और यहाँ पर OH ऊपर होता है, CH2OH होता है, बाकी दोनों संरचनाएं जो है सेम होती हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए फ्रक्टोज की फेनिल हाइड्राजीन से अभिक्रिया, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, तो इसे जो है बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे। तो यहाँ पर बात हुई है फ्रक्टोज की, यानी कि ये हो जाएगा CH2OH, इसके अलावा आपको बताया कि दूसरे नंबर पर होता है सी डबल बॉन्ड ओ, फिर इसके बाद होता है CH OH का होल थ्राइस और फिर लास्ट में होता है यहाँ पर CH2OH, इस प्रकार से। इसकी क्रिया आपको करानी है फेनिल हाइड्राजीन से, फेनिल हाइड्राजीन आपका होता है C6H5NH,
H2 ये होता है आपका फेनिल हाइड्राजीन। तो यहाँ पर जब इससे आप अभिक्रिया कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ से ये वाले आपके हाइड्रोजन, यानी कि इसमें से H2O ये निकल जाएगा, और जब यहाँ से H2O निकलेगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये था आपका CH2OH, इसके बाद C डबल बॉन्ड, ध्यान दीजिए यहाँ से ये अब ऑक्सीजन निकल गया और यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल गया। तो अब ये यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएंगे तो ध्यान दीजिए ये आपको N दिया गया, ये हो जाएगा N। इसके बाद ध्यान दीजिए फिर यहाँ पर एक और N है, इसे भी आप लिख दीजिए इस प्रकार से N। फिर यहाँ पर आपको दिया गया है H, ये हो जाएगा आपका H। इसके बाद C6H5, तो यहाँ पर आप लिखेंगे C6H5, और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा CHOH का होल थ्राइस, और यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में CH2OH इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो है इसकी क्रिया आपको दोबारा से करानी है, यानी कि यहाँ पर जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं फ्रक्टोज फेनिल हाइड्राजीन। इसकी क्रिया अगर हम लोग दोबारा यहाँ पर फेनिल हाइड्राजीन से करा दें तो अब ध्यान दीजिए फेनिल हाइड्राजीन यानी कि C6H5NH यहाँ पर हो जाएगा NH2 इस प्रकार से। तो जब यहाँ पर इससे दोबारा कराई जाएगी क्रिया तो अब की बार क्या होगा, यहाँ से ध्यान दीजिए ये निकलेगा आपका C6H5, इसके अलावा NH2 ये निकल जाएगा आपका C6H5, इसके अलावा NH2, और इसके अलावा इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका निकलेगा NH3, यहाँ पर जो है आपका NH3 भी निकल जाएगा। NH3 का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो H2 लगा है, यहाँ CH2, और इसके अलावा ध्यान दीजिए ये NH था, तो यहाँ पर ये H2 जब आके जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका NH3, ये भी निकल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर बनेगा, अब ध्यान दीजिए यहाँ से H2 निकल गया है, तो ये हो गया है आपका CHO, ये वाला H2 जो है अब की बार यहाँ पर निकल गया है ये वाला, तो ये हो गया CHO। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड, बाकी जो दिया गया उसी प्रकार आप लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा NH, इसके अलावा C6H5, इतना हो गया। फिर इसके बाद हो जाएगा CHOH का होल थ्राइस, इसके बाद हो जाएगा CH2OH, इतना हो गया। अब यहाँ पर जो है इसकी क्रिया हम लोग फिर से फेनिल हाइड्रोजन से कराएंगे, यानी कि यहाँ पर अब इसकी क्रिया जो है आपको दोबारा से फेनिल हाइड्रोजन से करा देनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा C6H5, इसके अलावा NH, यहाँ पर हो जाएगा NH2 इस प्रकार से। जब यहाँ पर दोबारा से इससे क्रिया कराई जाएगी तो अब की बार क्या होगा, अब की बार यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ से ये वाला H2, इसका मतलब H2O ये निकल जाएगा, और जब ये निकलेगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका C, इसके अलावा यहाँ पर है H। अब ध्यान दीजिए यहाँ से ये ऑक्सीजन और यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल गया तो ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर अब हो जाएगा डबल बॉन्ड। इसके अलावा जैसे यहाँ पर जुड़ा था सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका N, इसके अलावा दूसरा N हो जाएगा, और फिर आपको यहाँ पर दिया गया है H, और इसके अलावा C6H5, इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए C जैसे दिया गया था यहाँ पर डबल बॉन्ड N N H C6H5, इतना हो जाएगा। इसके अलावा CHOH का होल थ्राइस, और लास्ट में हो जाएगा CH2OH। यहाँ पर जो बना है इससे बोलते हैं फ्रक्टोसा जोन, इससे बोला जाता है फ्रक्टोसा जोन। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।